Hi guys, good morning, welcome back to my channel. This is Simran. Guys, तो हम जा रहे हैं सिविल पोस्टिंग फॉर ओब्स एंड गायनी पोस्टिंग्स. तो ये मार्केट के आसपास ही है, तो हम सारे बच्चे जा रहे हैं बस में. सो लेट्स गो. सो गाइज, ये है मार्केट. यहाँ राफ्टिंग के बहुत सारे बोर्ड्स, यहाँ शॉपिंग का, खाने पीने का बहुत सारे आइटम्स हैं. और हम पहुँच गए हैं अभी हॉस्पिटल के पास. मैं खोल रही हूँ गेट, उतर जाते हैं नीचे और लेफ्ट हैंड साइड में हॉस्पिटल है. लेट्स गो. ये है हॉस्पिटल. सो वी आर गोइंग. सामने इमरजेंसी है, उसके राइट साइड में हम पूरा हॉस्पिटल ब्लॉक है. ये हम जा रहे हैं सारे, अब पर्टिकुलरली वार्ड के अंदर जाएंगे. तो या लेट्स गो. ये है स्टेयर्स, ये तो आपको पता ही है ना, ये क्या बताऊँ मैं इसके अंदर. चलो सामने दिख रहा है लेबर रूम. सो गाइस, हम आ गए हैं यहाँ पे लेबर रूम में. तो मैम ने हमें, पहले हम आए हुए थे तो इतना ओरिएंटेशन की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, बट स्टिल हमें ओरिएंटेशन मैम ने दिया था क्योंकि थोड़े टाइम पहले आए थे. तो स्टाफ नर्सेस से हमने बात की थी, देन पेशेंट वगैरह को देखा था, देन अलॉट किया था खुद को खुद से. सो दिस इज़ सिविल हॉस्पिटल. यहाँ पे ये ऑब्स्टेट्रिक्स वाली यूनिट है, मतलब डिपार्टमेंट है. यहाँ सारे वार्ड्स हैं, तो यहाँ पोस्टर्स और यहाँ हूँ मैं. तो गाइज, अभी फ़िलहाल मैंने कुछ सैम्पलिंग्स ही की थी. हम लोग की पोस्टिंग जो थी लेबर रूम में थी. लेबर रूम में ना अभी तो कोई फ़िलहाल डिलीवरी नहीं हुई, बट हाँ, हम लोगों ने पर वजाइनल एग्जामिनेशन और क्या बोलते हैं, हाँ, DNC में असेस कराया था. देन उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर थोड़ी सी भूख लगी थी तो हम लेकर आए थे खाना कुछ खाने के लिए. यू नो, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है तो नींबू पानी वगैरह बहुत पिया. देन उसके बाद फिर से हम लोग लेबर रूम में गए. तो लेबर रूम में ही, मतलब प्रोसीजर हो रहा था ये. तो वहाँ पे प्रोसीजर था कॉपर टी इंसर्शन का, और साथ ही साथ कॉपर टी रिमूवल का भी एक प्रोसीजर था जो वहाँ पे आया था. तो हमने वहाँ पे असिस्ट कराया था डॉक्टर को, और एक डिलीवरी के लिए अगेन हमने परवजानल एग्जामिनेशन कराया था. सो यस, दैट्स इट. सो ये है बाहर का OT एरिया. कैप्स एंड ऑल यहाँ पे रखे हैं, शू कवर अभी अंदर रखे हैं. यहाँ पे रैक है, शू रैक, और ये एप्रन्स हैं, गाउन्स एंड ऑल. सो इधर है लेबर रूम, यू कैन सी हेयर. सो गाइस, ये पर्टिकुलर स्पेशल रूम है. तो यहाँ पे बेड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ऐसे पूरा सेटअप होता है. ये सक्शन मशीन है, और इधर क्रैश कार्ट है फॉर एनी एमरजेंसीज. आप देख सकते हो कितने अच्छे से अरेंज्ड है. यहाँ पे है एंटीनेटल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं पोस्टर. देन इधर कोई पोस्टर है, ये है एंटीनेटल चेकअप्स के लिए. देन इधर ये सेटअप हो रखा है. सो गाइज, अभी बज रहे हैं 11. मैं हूँ इस वाले रूम में, और अभी हमने जस्ट एक डिलीवरी कंडक्ट कराई, मतलब असिस्ट कराया, नॉट कंडक्ट कराई. तो गाइज, वो लेडी काफ़ी टाइम से लेबर में थी, तो अभी मैं इधर आई हुई हूँ. तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए इधर इस रूम के अंदर. तो यहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से अरेंज्ड है, काफ़ी अच्छे से. तो हमने ना अभी फ़िलहाल इस रूम में, मैं इसलिए हूँ क्योंकि ना हमने जो मेडिसिंस थी ना एक्सपायरी एंड ऑल, वो सब हटाई थी. मतलब तो उन्होंने हमें वर्क दिया था, जितनी भी मेडिसिंस हैं वो हमें क्रैश कार्ड सेटअप करनी थी, इन्वेंट्रीज एंड ऑल, ये सब के लिए उन्होंने वर्क दिया था. देन उसके बाद हाँ, मैं आपको डिलीवरी का बताई थी. तो यस, डिलीवरी में हमने असेस कराया, तो उनको बेबी बॉय हुआ है. नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी थी, एपिजियोटमी उनको हुई थी. यार, इट वाज रियली पेनफुल यार, सच्ची. सो दिस इज एंटीनेटल वार्ड एंड दिस वन इज लेबर रूम उधर, ठीक है. और इधर है नर्सिंग ऑफिसर्स के रूम, और इधर बाहर के लिए एंट्री, और इधर है नियोनेट्स के लिए और पोस्टनेटल वार्ड, और इधर है आपकी सिमरन गौतम. सो फाइनली गाइस, 12:45 हो गए हैं और हम लोग की एम्बुलेंस आ गई है. बस नहीं आई है, एम्बुलेंस आई है. यू कैन सी द टायर्ड फेस, हमारे बच्चों के कितने ज़्यादा थके हुए फेस हैं. फाइनली हॉस्टल आ गया, और ये एम्बुलेंस अंदर से पता है बहुत ज़्यादा तप रही थी. बाहर जाके कितनी अच्छी, मतलब बाहर की उजाला देखने से ही कितना अच्छा फील आ रहा है ना. आई कैन
सीरियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उतर जाते हैं चलो, फिर अभी जाना है खाना खाने के लिए। सो या बाय बाय एम्बुलेंस। ये एम्स की एम्बुलेंस है जो हम लोग को लेने आई हुई थी हॉस्पिटल से हॉस्टल। तो बस अब तो सब लोग अंदर मैस के अंदर भागेंगे। मैं भी जाती हूँ मैस के अंदर खाना खाने के लिए। दिस इज़ आर मैस। सो गाइज, ये ना हमारे हॉस्टल का शॉर्टकट रास्ता है मेरे रूम तक जाने का। मेरा रूम है 3rd फ्लोर पे। और बस मैं पहुँच गई हूँ हॉस्टल के रूम में। खोल देते हैं अपने रूम का गेट, फिर आराम से बातें करते हैं इंस्टेड ऑफ ऐसे चलते चलते। ओके, लेट्स गो, बाय बाय। सो गाइज, मैं आ गई हूँ क्लिनिकल से वापस। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और नहा कर आई हूँ, क्योंकि एम्बुलेंस में ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरे हेडेक होने लग गया था। तो मैंने सोचा नहाना बहुत ज़्यादा बेटर आइडिया है, क्योंकि 2 बजे क्लिनिकल जाना है हम लोगों को। तो उससे पहले मैं आपको एक स्किन सोल्यूशन देना चाहूँगी डर्मैको की साइड से। सो गाइज, इंट्रोड्यूसिंग द पोर मिनिमाइजिंग रेंज, दैट इज फेस सीरम, फेस मॉइस्चराइजर, एंड दिस वन इज क्ले डेली फेस वॉश। सो गाइज, ये प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेंगे आपके ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में और आपको स्किन जो है वो स्मूथ करने में। सो वॉट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, इसके अंदर है नियासिनामाइड और PHA। सो गाइज, आई एम गोइंग टू अप्लाई द सीरम ओवर माई फेस। इसकी 2-3 ड्रॉप्स आपको लेनी है और अपने फेस पे अप्लाई करना है। उप्स। सो गाइज, इसको सर्कुलर मोशन में ऑल ओवर द फेस, जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए, आपको अप्लाई करना है। इसको डेली यूज़ करें फॉर बेटर रिजल्ट्स विद सनस्क्रीन। इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो या ये आपके पोर्स के लिए मिनिमाइज करने के लिए बहुत बेटर है और आपकी स्मूथ स्किन के लिए भी। सो यस गाइज, अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, और मेरा कोड यूज़ करें एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए, दैट इज़ SIMRAN2022। और आप इसको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइज, जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो डरमैको की साइट से, वो एक ऑर्डर एक बच्चे से लिंक होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज़ में हेल्प होती है। तो गाइज, डरमैको हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000 स्टूडेंट अक्रॉस द ईयर। सो यस गाइज, वॉट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, आप एक बच्चे की और अपनी स्किन की हेल्प कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को खरीद के। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड बाय द प्रोडक्ट। सो आई वॉन्ट टेल यू कि हम लोग सिविल पोस्टिंग्स में क्या क्या करते हैं। तो गाइज, सिविल पोस्टिंग में बेसिकली हम ऑप्स की पोस्टिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे मतलब लेबर रूम, एंटी नेटल, सिजेरियन सेक्शन वाला जो OT है, और पोस्ट नेटल हो गया, NICU हो गया, मेनली इन सब के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग रोल नंबर हम लोगों से स्टार्ट होता है। तो हमने वहाँ पे लेबर रूम में हम लोग की पोस्टिंग लगी थी, देन डिलीवरीज कंडक्ट कराई, पर जनरल एग्जामिनेशन हमने किया खुद, और उसके बाद DNC में हमने वो कराया, असिस्ट कराया कॉपर टी इंसर्शन, कॉपर टी रिमूवल में, आई मीन असिस्ट कराया, और क्या कराया, हाँ नॉर्मल सैम्पलिंग वगैरह तो हम लोग वहाँ पे लेते ही हैं। देन सारे जो प्रोसीजर्स वगैरह है उसके ऊपर जो नर्सिंग इंचार्ज होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं हमारी लॉग बुक के ऊपर, पूरे 4 साल का रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, वो हमने उनसे सिग्नेचर करे और मैम से सिग्नेचर कराया। देन असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट किए मैम को। सो गाइज, इन शॉर्ट दिस इज़ वेरी टफ। और आप ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक ना चेक करो, वहाँ पे जो वर्ल्ड टफेस्ट डिग्री है ना वो है नर्सिंग, एंड आई ट्रूली बिलीव इट इज़, क्योंकि इतना टफ वर्क होता है, इतने सारे स्किल्स होते हैं, इतनी सारी कोग्निटिव साइकोमोटर डेवलपमेंट डोमेन्स हम लोग को यही कंप्लीट कर देने होते हैं। लाइक इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, OSCEs होती हैं, ऑलमोस्ट 172 अप्रॉक्स असाइनमेंट्स होते हैं, जो कि मेजर असाइनमेंट है। वो जो छोटे छोटे असाइनमेंट जो टीचर्स बाद में देती हैं एज अ होमवर्क या फिर एज अ क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वाले, वो अलग हैं, बट जो मस्ट कंप्लीटेड होने चाहिए ना, वो 172 अप्रॉक्स हैं। दिस इज़ रियली 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 ह्यूज नंबर ना यार। तो या हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अभी धूप में एम्बुलेंस में आए हैं, तो वो एकदम तपी हुई थी, एकदम गर्म। सो गाइज, इस थकान के बाद भी हमें 2 बजे वापस से क्लिनिकल जाना है एंटीनेटल वार्ड और लेबर रूम में। सो या लेट्स गो। सो अब बज गए हैं 5 और मैं जा रही हूँ हॉस्टल। या आई एम फाइनली हैप्पी। सो
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आई टेल यू आफ्टर। ओके, और मैं जा रही हूँ अभी बाहर, जल्दी से रेडी हुई। मैं सो रही थी और कोई है जो बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो या आप भी वेट करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्या बकवास कर रही हूँ, आई रियली डोंट नो। मैंने रैंडमली फ़ोन उठा लिया और वीडियो बनाने लग गई। मुझे क्या बोलना है मुझे नहीं पता। ओके, मैं बाहर जा रही हूँ और फिर वापस से बाहर जाके मिलते हैं। बाय बाय। पता बोला अच्छा। टीतू अनित्या, आप कैसे हो? ठीक हो? अरे टीत कौन ले गया आपके? बताओ। चूहा ले गया। ये मेरी मम्मा वीडियो कॉल पे है। हेलो मम्मा। ये भाभी मेरी, ये बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी नमस्ते, कैसे हो? हाँ देखो, बड़ा भाई नमस्ते। शैतानी कर रहा है। ये भैया है। भैया हेलो, कैसे हो? दिव्यांश, आप मेरे साथ चलोगे? कहाँ चलोगे? घूमने घूमने करने चलोगे? चलो मुझे तो नहीं होती। अभी यहाँ पे एडमिशन होना बाकी है। दिव्यांश आप भी ऐसे करो जैसे हम कर रहे थे। अच्छा मेरे को किसी करो। बाय नित्या। बाय बाय। मेरी नहीं बन भाई, ऐसे मत कर। फिर मेरी पकड़ो ऐसे मत करो, टाइट करके पकड़ो ना, तो कट लग जाएगा। निकी दिखा दो, देख कैसे खाती तू गोलगप्पे। खाया ही नहीं जा रहा। हम और सबसे ज्यादा मैं, हम लोग बहुत खर्चा करके आए हैं। ये रहा और निकिता का, निकी के पास में है। तो अभी हमने बस, मेरी भाभी वगैरह चले गए हैं लक्ष्मण झूला के पास और हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट से हमने बहुत सारा सामान खरीदा, गोलगप्पे खाए, ये सब किया। अब हम थक गए हैं और बहुत सारा खर्चा भी हो गया है, तो अब हम सोएंगे, है ना निक्की? सोएंगे हाँ। और अभी हमने किसको देखा? अभी हमने मनीष सर को देखा। आपको पता है हमारे कॉलेज में ना मनीष सर है, वो AP है। ही इज सो स्वीट। वो बहुत अच्छे सर है। मतलब हमारी पूरी क्लास नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर कॉलेज का एक एक बच्चा उन सर को बहुत पसंद करता है, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है और हमेशा सबकी बात सुनते हैं बिना जज करे। सीरियसली वो बहुत अच्छे हैं यार, तारीफ करने में क्या जा रहा है।